नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज सीबीआई के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सीबीआई कार्यवाही के बारे में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से बातचीत की और विस्तृत ब्यौरा मांगा। उच्चतम न्यायालय शारदा चिटफंड मामले की जांच में बाधा डालने के लिए कोलकाता पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय की अवमानना याचिका पर कल सुनवाई करेगा। भारतीय पुलिस सेवा के 1983 बैच के अधिकारी ऋषि कुमार शुक्ला ने सीबीआई निदेशक पद का कार्यभार संभाला। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विश्व कैंसर दिवस पर डॉक्टरों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों से कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में प्रज्ञेश गुणेश्वरन भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पश्चिम बंगाल में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की कार्यवाही पर शोरगुल के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की बैठक शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के नेतृत्व में विपक्ष ने कल रात राज्य के पुलिस आयुक्त के खिलाफ सीबीआई की कार्यवाही के विरोध में हंगामा किया। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने यह मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राजनीतिक कारणों से सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल सहित अन्य विपक्षी दल भी उनके साथ शामिल हो गए। शोरगुल के बीच अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक और फिर दिनभर के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा में टीएमसी, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और अन्य पार्टियों ने सीबीआई का मुद्दा उठाया। इन पार्टियों के सदस्य केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। इस दौरान कांग्रेस सदस्य भी सदन के बीचों बीच आ गए। ये सदस्य राफाल विमान सौदे की जांच संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी से कराने की मांग कर रहे थे। शोरगुल के बीच अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी, इसलिए उन्होंने सदन की बैठक पहले 2 बार स्थगित करने के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता के पुलिस आयुक्त के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की कार्रवाई को उचित ठहराया है। उन्होंने आज कहा कि पुलिस आयुक्त शारदा चिटफंड घोटाला मामले में सहयोग नहीं कर रहे थे और कई सम्मन का जवाब देने में विफल रहे, इसलिए सीबीआई को कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ा। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे पर जवाब देते हुए गृहमंत्री ने सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ कोलकाता पुलिस की कार्रवाई को गैरकानूनी और अभूतपूर्व बताया। कल कलकत्ता में सीबीआई के अधिकारियों को उनको लॉफुल ड्यूटीज को करने से न केवल रोका गया बल्कि उन्हें कलकत्ता पुलिस द्वारा पुलिस थाने में डिटेन किया गया। मैं समझता हूं कि ऐसी घटना देश के इतिहास में अनप्रेसिडेंटेड। श्री सिंह ने बताया कि उन्होंने इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के सदस्य स्वागत राय ने सदन में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष का गला घोटने के लिए सीबीआई का लगातार इस्तेमाल कर रही है। इस बीच कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार विपक्ष को खत्म करने के लिए सीबीआई को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है, लेकिन विपक्ष इस दबाव के आगे कभी नहीं झुकेगा। ये सरकार सीबीआई को एक हथियार बनाकर सभी अपोजिशन लीडर को खत्म करना चाहती है। कौन सा कानून ऐसा बोलता है कि रात के 7 बजे जाकर आप एक पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करें। बीजू जनता दल नेता भर्तृहरि मेहताब ने इस मामले में सीबीआई की नियत पर संदेह जताया। भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीबीआई से बचने के लिए धरना दे रही हैं। आज कोलकाता में संवाददाताओं से बातचीत में श्री जावड़ेकर ने कहा, ये चिटफंड मामले में आज तक कुणाल घोष, संजय बोस, सुदीप बंदोपाध्याय, तापस पाल, मदन मित्रा, इतने सांसद एवं मंत्री तृणमूल के गिरफ्तार हुए, जेल में गए, तब कभी ममता ने धरना नहीं दिया, लेकिन आज वो धरना क्यों दे रही है? पुलिस कमिश्नर के पास ऐसा क्या है कि जिसको बचाने के लिए ममता जी जान एक कर रही है और सड़क पर बैठी है? लोग जवाब चाहते हैं इसका।
इस प्रश्न का कि क्या उनकी पार्टी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करेगी के जवाब में भाजपा नेता ने कहा कि फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के धरने को असंवैधानिक बताया है। संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन सिंह मेघवाल ने संसद के बाहर कहा कि भ्रष्टाचार में शामिल लोगों के प्रति समर्थन जताने के बजाय सुश्री बनर्जी को चाहिए था कि वे सीबीआई को जांच करने की अनुमति देती। शारदा कांड में अगर उनका डीजी अपेक्षित है पूछताछ के लिए तो उनको आगे आना चाहिए। वो लाल डायरी कहाँ है वही तो पूछताछ कर रहे हैं। वो एसआईटी के प्रमुख थे इसलिए पूछताछ कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है सब कुछ। इसमें भारत सरकार को क्या करना है? हम संघीय ढांचे का सम्मान करते हैं, संघीय ढांचे में रह रहे हैं। देश की कोई एजेंसी है तो वो पूरे देश के लिए है। भाजपा के एक अन्य नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आरोप लगाया कि सुश्री बनर्जी और अन्य दल भ्रष्टाचारियों को समर्थन दे रहे हैं और उनका बचाव कर रहे हैं। अब जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, घोटालेबाज हैं, तो इस धरने का हिस्सा बन रहे हैं। उनको भी लगता है कि ये धरना जो है ये भ्रष्टाचार और घोटालों के खिलाफ जो एक जंग चली है उस जंग के खिलाफ है। आज तक देश में बहुत से आंदोलन देखे, बहुत सी क्रांति देखी, लेकिन वो क्रांतियां और आंदोलन जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई है। ये पहली क्रांति होगी जो भ्रष्टाचार के समर्थन में दिखाई पड़ रही है। इस बीच रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन और पार्टी नेता मुख्तार अब्बास नकवी सहित भाजपा नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर आज निर्वाचन आयोग से मिला। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराए जाएं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी वहां स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल की इच्छुक है। We have very clearly highlighted instant by instant about the excesses of the political party which is in power, and we've requested the election commission that political party should conduct itself in such a way that a free and fair opportunity is available for every political party which the TMC is denying. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। हाय, दिस इज साइना नेहवाल। पेट्रोलियम पदार्थ सीमित हैं और जल्द ही खत्म हो जाने वाले हैं, इसीलिए इन दुर्लभ पदार्थ को बचाना जरूरी है। पेट्रोल एवं डीजल के बचत के लिए अच्छी ड्राइविंग हैबिट्स अपनाइए, अपने वाहनों का अच्छा रखरखाव करें और ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। एलपीजी बचाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें, PCRA द्वारा बताए गए साधारण टिप्स अपनाइए। आइए दोस्तों, हम ईंधन बचाएं और देश की प्रगति में हाथ बटाएं। डाउनलोड द PCRA एंड्रॉइड ऐप टू नो मोर अबाउट सेविंग फ्यूल। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अरे बेटा, सोनम, दीपिका और प्रियंका की भी शादी हो गई, तुमको कैसा लड़का चाहिए? कम से कम 5-star रेटिंग वाला। 5-star रेटिंग वाला लड़का? नहीं पापा, कम से कम 5-star रेटिंग वाले शहर का लड़का। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के तहत सरकार ने स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल की शुरुआत कर दी है। अब हर शहर स्वच्छता के आधार पर पाएगा स्टार रेटिंग। ये स्टार रेटिंग कूड़े के कलेक्शन अथवा उसके वैज्ञानिक निपटान इत्यादि पर आधारित है। सार्वजनिक स्थानों की सफाई के आधार पर भी रेटिंग होगी। अपने शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में अव्वल बनाएं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उच्चतम न्यायालय शारदा चिटफंड मामले में सबूतों को नष्ट करने और जांच में बाधा डालने के लिए कोलकाता पुलिस अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय की कथित अवमानना के मामले में सीबीआई की याचिका पर कल सुनवाई करेगा। जांच एजेंसी ने आज इस मामले में उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल कर पश्चिम बंगाल सरकार को यह निर्देश देने का अनुरोध किया है कि वहां की सरकार चिटफंड मामले में जांच में सहयोग करे। याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि इस बारे में पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने को कहा जाए। सीबीआई की ओर से महाधिवक्ता तुषार मेहता ने उच्चतम न्यायालय की पीठ को बताया कि अभूतपूर्व स्थिति उत्पन्न हो गई है और आज दोपहर बाद इसकी तुरंत सुनवाई की जानी चाहिए। हालांकि न्यायालय ने सुनवाई कल तक टाल दी। रविवार को सीबीआई अधिकारियों के एक दल को उस समय हिरासत में ले लिया गया जब वे संबंधित मामले की जांच के सिलसिले में लाउडन स्ट्रीट स्थित कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के निवास पर पहुंचे थे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी से पुलिस आयुक्त के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई के बारे में बातचीत की। सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल ने गृहमंत्री को वर्तमान स्थिति से अवगत कराया और कहा कि उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को बुलाकर इस मामले के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा है। गृह मंत्रालय स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए है।
भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के मध्य प्रदेश काडर के 1983 बैच के अधिकारी ऋषि कुमार शुक्ल ने आज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के निदेशक पद का कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने एम नागेश्वर राव का स्थान लिया है जो जांच एजेंसी के अंतरिम प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे थे। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण लागू करने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी। इसके साथ ही महाराष्ट्र देश का 7वां राज्य बन गया है जहां आरक्षण की नई व्यवस्था लागू होगी। मौनी अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं ने आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम में डुबकियां लगाईं। मेले में 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की आशा है। सवेरे 11 बजे तक लगभग 2,40,00,000 श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके थे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शाही स्नान को देखने के लिए बड़ी संख्या में विदेशी भी पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती के पवित्र संगम तट और आसपास के क्षेत्रों में आस्था और विश्वास की डुबकी लगा रहे हैं। संगम पर अद्भुत और दैवीय नजारा बना हुआ है। यहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षी वातावरण को और भी भव्य और दैवीय बना रहे हैं। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा का क्रम जारी है। विभिन्न अखाड़ों के संतों और साधकों का नृत्य और प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। 3,200 हेक्टेयर में फैला मेला क्षेत्र एक मिनी इंडिया सा नजर आ रहा है जहां राष्ट्र के सभी हिस्सों से लोग पहुंचे हैं। एमएस यादव, आकाशवाणी समाचार, कुंभ मेला शहर प्रयागराज। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। नमस्कार, मैं नितिन गडकरी बोल रहा हूँ। आज जब देश पूरे जोश के साथ डिजिटल इंडिया की ओर अग्रसर हो रहा है तो मोबाइल फोन का भी महत्व पहले से और भी ज्यादा बढ़ रहा है, पर गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन का प्रयोग करना आपको हादसों का शिकार बना सकता है और आपके अरमानों पर पानी फेर सकता है। एक सुरक्षित और बुलंद डिजिटल इंडिया के लिए गाड़ी चलाते वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्राइविंग पर ध्यान दीजिए और अपनी जान को बचाइए। जय हिंद। ये आकाशवाणी है। आज विश्व कैंसर दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों को शिक्षित करना और उनके बीच जागरूकता पैदा करना है। इसके साथ ही दुनिया भर में सरकारों और व्यक्तित्वों पर दबाव बनाकर हर साल इस घातक बीमारी से लाखों लोगों को बचाना है। एक रिपोर्ट। विश्व कैंसर दिवस पर पूरी दुनिया में रैलियों, संगोष्ठियों और जन जागरूकता अभियानों का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संगठन 3 साल के लिए एक अभियान आई एम एंड आई विल शुरू कर रहा है। इसके जरिए कैंसर से बचाव के लिए लोगों की प्रतिबद्धता बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। कैंसर से प्रतिवर्ष 90,60,000 से अधिक लोगों की मौत होती है। ये संख्या एचआईवी एड्स, मलेरिया और तपेदिक से होने वाली कुल मौतों से भी अधिक है। शशांक कुमार, समाचार कक्ष, आकाशवाणी दिल्ली। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस अवसर पर डॉक्टरों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों से कहा है कि वे कैंसर पर रोक लगाने के लिए लोगों में और अधिक जागरूकता पैदा करें। एक ट्वीट संदेश में श्री नायडू ने कहा कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और खाने पीने की अच्छी आदतें डालने की जरूरत है। पेट्रोल की कीमतों में आज लगातार 5वें दिन गिरावट आई। तीनों महानगरों में पेट्रोल का मूल्य प्रति लीटर 10 से 16 पैसे तक कम हुए हैं और डीजल प्रति लीटर 8 से 12 पैसे नीचे आ गया। चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट आज से चेन्नई में शुरू हो रहा है। प्रतियोगिता में सभी की निगाहें प्रज्ञेश गुणेश्वरन पर होंगी। इस टूर्नामेंट में अगर प्रज्ञेश की जीत होती है तो वे अपने करियर में पहली बार विश्व में शीर्ष 100 खिलाड़ियों में शामिल हो जाएंगे। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से आज प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक का विषय है बजट 2019, नए भारत की गति, आकांक्षाओं और निर्माण का बजट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में सीबीआई कार्यवाही के मुद्दे पर हंगामे के कारण संसद की कार्यवाही बाधित हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सीबीआई कार्यवाही के बारे में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से बातचीत की और विस्तृत ब्यौरा मांगा है। उच्चतम न्यायालय शारदा चिटफंड मामले की जांच में बाधा डालने के लिए कोलकाता पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय की अवमानना याचिका पर कल सुनवाई करेगा। भारतीय पुलिस सेवा के 1983 बैच के अधिकारी ऋषि कुमार शुक्ला ने सीबीआई निदेशक पद का कार्यभार संभाल लिया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विश्व कैंसर दिवस पर डॉक्टरों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों से कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने का आह्वान किया है। चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में प्रज्ञेश गुणेश्वरन भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।